हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, रोज़ सुबह 9:30 बजे क्लास होती है और आज हम लोग इस क्लास में जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपका क्वेश्चन आया था NTPC में, वोल्ट मीटर का क्या फंक्शन है, समझ में आ रहे हो क्या? आप लोगों का क्रिस्कोग्राफ क्या होता है, आप लोगों का एक था ऑक्सीनोमीटर क्या होता है। तो सभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से आप लोग के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनके यूजेस क्या है। चलिए इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो भी NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, रोज दोपहर 1 बजे अनअकैडमी पर साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं डेली 1 PM पे, ये होता है, इसको मिस ना करें। आप लोगों को यहां पर रैंक भी मिलती है कि आप लोगों ने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपकी रैंक क्या मिली। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं करवाता हूं, बहुत शानदार, आप लोगों को मजा आएगा। तो इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगिड, मुझे फॉलो कर लें। यहां पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मेरी क्लास मिल जाएगी दोस्तों। गोल सेलेक्ट रखें अपना SSC एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आपको मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 डाल दो, आप नीरज 11 डाल के अनलॉक कर दो। आप लोग सभी टीचर्स की सभी स्पेशल क्लासेज आप लोग देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और देखिए, कल आप लोग जानते हैं सैटरडे है, तो कल सुबह 9:30 बजे अब तक, यानी पूरा फेज 1 और फेज 2 की जितनी भी शिफ्ट हुई है, इसमें पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कल सुबह 9:30 बजे मैं आपको करवा दूंगा। परसों सुबह 9:30 बजे क्या होगा, अभी तक फेज 1 और फेज 2 की जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें बायोलॉजी से पूछे हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। और आज भी मैं कुछ वीडियो प्लान कर रहा हूँ, बहुत शानदार आप लोग देखिएगा, है ना। मैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको है ना कम्युनिटी पर डाल दिया जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे हम लोग जुड़ते हैं पहले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों ऑडिफोन। आप लोग बस यहां पर देखेंगे क्या नाम है आप लोगों का, ऑडिफोन। तो ऑडिफोन क्या हो जाता है दोस्तों, ये एक डिवाइस है जिनको ढंग से सुनाई नहीं देता उनके कान में लगाई जाती है, जिससे वो ढंग से सुन सके, ठीक है। तो जो व्यक्ति दोस्तों, ये एक श्रवण सहायक यंत्र है जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति आपका यूज करते हैं। तो ऑडिफोन का क्या यूज हो जाएगा, जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए ये यूज करा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से ऑरिस्कोप। ये क्वेश्चन आप लोगों से NTPC में पूछा जा चुका है 2016 में कि ऑरिस्कोप क्या होता है। तो आप लोगों के दोस्तों जो ईयर होता है, कान, इसके टेस्ट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है। तो कान के जो आंतरिक भाग है, इसके इंटरनल पार्ट्स को टेस्ट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है, ऑरिस्कोप, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओम मीटर। तो आप लोग सभी जानते हैं ओम क्या होता है, आप लोगों का रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। कल ही सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ना, और ओम मीटर आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र होता है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है ओम, तो जैसे ही आप लोग की सुई डिफ्लेक्ट करती है आपको पता पड़ जाता है कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम है, 2 ओम है। तो ओम मीटर क्या करता है, रेजिस्टेंस मेजर करता है, ओके? दोस्तों अभी आप लोग सुन लीजिए, इसकी PDF में मैं आपको इंग्लिश भी डाल के दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अभी आप लोग जस्ट सुन लीजिए, वैसे मैं भी ये चीज पढ़ नहीं रहा हूं, केवल आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों पेरिस्कोप क्या होता है। तो आप लोग देख रहे हैं पेरिस्कोप की इमेज, यहां पर देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप की आप लोग की होता है, कुछ इस टाइप का है ना। तो आप लोग कहां पर देख रहे हैं, आप लोग यहां पर देख रहे हैं। तो इससे नीचे पानी के अंदर कुछ भी आप लोगों के ऑब्जेक्ट्स है, इनको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पेरिस्कोप का यूज करते हैं। आप लोगों से एक बार क्वेश्चन में यह भी पूछा गया था कि पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे क्या होता है, वर्क करता है। इसका यूज क्या होता है, पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर देखो दो चीज होती है ना,
चलो, एक तो होता है स्पीडोमीटर, एक होता है आप लोगों का ऑडोमीटर, एक होता है आप लोगों का ऑडोमीटर। दोनों चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है। तो स्पीडोमीटर तो आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, गाड़ी की स्पीड मेजर करने के लिए, है ना, आप लोग के वाहन की गति मेजर करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। जो आगे लगा होता है ना, वो आपका स्पीडोमीटर होता है। एक चीज़ और होती है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, कोई बता सकता है क्या? तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितनी दूरी आपने ट्रेवल करी है, कितनी दूरी या कितनी डिस्टेंस आप लोगों ने तय करी है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यानी दूरी मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक्यूमुलेटर से। तो एक्यूमुलेटर का मतलब क्या होगा? देखो, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, समझ आ रही है बात को? तो ये आपका जो एक्यूमुलेटर हो जाएगा, ये क्या करता है? ये भी इकट्ठा करता है। किसको करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को करता है, विद्युत ऊर्जा को करता है। तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में इस्तेमाल इसका होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्टिनोमीटर। तो कौन बताएगा एक्टिनोमीटर? आप लोग सभी जानते हैं, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है, विकिरण निकालता है। जैसे क्या बात करें, सन भी रेडिएशंस निकालता है क्या? बिल्कुल निकालता है। तो इन रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, इन सूर्य किरणों की तीव्रता क्या है, सनलाइट की रेज जो आ रही है, सन रेज जो आ रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक्टिनोमीटर यूज़ करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए सनलाइट की इंटेंसिटी, सन लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है आप लोगों का एरोमीटर। क्या करता है एरोमीटर? तो दोस्तों एरोमीटर से आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका यूज क्या होता है, जो भी आप लोगों की एयर होती है और गैस होती है, इसका वेट कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसको मेजर करा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट से। तो यहां पर लिख देता हूं, जो एयर और गैस होती है ना, एयर हो गया या कोई भी गैस हो गई, तो इसका अगर आप लोगों को वेट मेजर करना है या आप लोगों को इसकी डेंसिटी मेजर करनी है, तो इसमें इस्तेमाल होता है किसका? एरोमीटर का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमीटर। तो ये क्वेश्चन भी अभी एनटीपीसी में पूछा गया था कुछ दो दिन पहले ही। तो अमीटर का यूज क्या होता है? तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है कि सर्किट में कितनी विद्युत धारा बह रही है, या फिर इसके लिए हम लोग ये भी यूज करा जाता है, विद्युत धारा की तीव्रता कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है आप लोगों की इलेक्ट्रिक करंट की, मतलब उसका अमाउंट कितना है, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा अमाउंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आप लोगों को मेजर करना है तो ये कौन मेजर करेगा दोस्तों? अमीटर मेजर करेगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक आपका गैल्वेनोमीटर भी होता है, एक आपका गैल्वेनोमीटर भी होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये है बी करंट को मेजर करता है, आपका अमीटर भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये कम अमाउंट के करंट को मेजर करता है और साथ में ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है, यह करंट की डायरेक्शन भी बताता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, यानी विद्युत धारा की दिशा कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर बताता है। चले आगे, ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा और आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, टेंशन आप लोग ना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनीमोमीटर। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं, देखिए इस प्रकार से आपका एनीमोमीटर होता है। तो अगर एयर आएगी तो ये आपका रोटेट करेगा। अब आप लोग मुझे खुद बताइए, इसकी स्पीड ज़्यादा कब होगी? जब एयर ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हो एयर की स्पीड जब ज़्यादा होगी तब ये ज़्यादा रोटेट करेगा। तो एनीमोमीटर क्या करता है, जो विंड होता है, यानी विंड बोल लो, हवा बोल लो, इसकी वेलोसिटी मेजर करता है। क्या करता है? वेलोसिटी भी मेजर करता है और इसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कितना उसमें, मतलब उसका अमाउंट कितना आ रहा है ना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये बहते वायु की गति और शक्ति मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या विंड की वेलोसिटी और स्ट्रेंथ मेजर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए
अरे सर उनके पास मत जाओ, लग जाएगा, ठीक है नहीं जा रहे, चले आगे, चला जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों अल्टीमीटर। ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। तो अल्टीमीटर क्या होता है, आप लोगों को पता है कोई भी प्लेन उड़ता है तो ऑब्वियसली बात है किसी हाइट पे उड़ता है, तो किस हाइट पे वो आप लोगों का उड़ रहा है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, एल्टीमीटर से करते हैं। तो एल्टीमीटर क्या होता है, जो आप लोगों का प्लेन होता है इसकी हाइट को मेजर करता है, यानी किस ऊंचाई पर यह उड़ रहा है। ओके, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, क्रोनोमीटर। तो आपको मैं बताऊं, जैसे आपका वॉच होता है तो क्रोनोमीटर भी दोस्तों कुछ वॉच के जैसे ही होता है। तो ये पानी के जहाज़ों में ये क्या करता है, टाइम को मेजर करता है। जो शिप्स होते हैं ना उसमें जो टाइम मेजर करा जाता है वो किससे करा जाता है, क्रोनोमीटर से करा जाता है। और सिर्फ टाइम ही नहीं दोस्तों, लोकेशन भी बताता है कितने लॉन्गिट्यूड पे हैं, कितने इस पे ना, तो ये आप लोग का लोकेशन भी बताता है। यहाँ पर लिख लो, लोकेशन भी बताता है, लोकेशन भी बताता है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है आप लोगों से एपिस्कोप। दोस्तों आज आप लोग के यहाँ पर इंग्लिश मिस हो गई है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखता जा रहा हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, है ना। और मैं साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी डलवा दूंगा जिसमें इंग्लिश में मिल जाएगा, आप लोग समझिए। यहाँ पर समझने का खेल है, यहीं ना यहाँ पर ना आप लोगों का पढ़ने का गेम है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों एपिस्कोप। तो ये क्या करता है, आप लोगों को पता है कि कोई भी पर्दा होता है या कोई भी मैं बोलूँ कर्टेन होता है, उस पर इमेज बनती है, तो उस पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने का कार्य कौन करता है, यह आप लोगों का एपिस्कोप करता है। तो आपका जो कर्टेन होता है, पर्दा होता है, तो पर्दे पर प्रतिबिंब यानी इमेज किससे मिलती है, आप लोगों को एपिस्कोप से मिलती है। चले आगे, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी अभी इंग्लिश में, टेंशन मत लो। अरे अनाना जी यहाँ पर पढ़ लो, पीडीएफ में दे दूंगा, जब मैंने बोल दिया आपको इंग्लिश में दे दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर क्या करता है, जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करता है। आप लोगों को ने सुना होगा ना, अलग अलग प्रकार का साउंड होता है, 20 डेसिबल, 40 डेसिबल, 80 डेसिबल। तो अगर हम लोग बात करें जो साउंड है इसकी इंटेंसिटी को मेजर कौन करता है, ये करता है आपका ऑडियोमीटर, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों बैरोमीटर क्या करता है। तो आप लोगों को सभी को पता है कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में क्या होती है, एयर होती है। और एयर क्या करती है, इस अर्थ की सरफेस पे क्या लगाती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किससे मेजर करा जाता है, बैरोमीटर से करा जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, वो किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का बैरोमीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट है आपका बैरोग्राफ क्या होता है। तो देखिए कई बार कन्फ्यूजन होता है बैरोमीटर बैरोग्राफ। तो अगर हम लोग बात करें बैरोमीटर तो क्या करता है, आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है कि मान लीजिए अभी कितना है, 100 किलो पास्कल है या 99 किलो पास्कल है या 101 किलो पास्कल है, समझ पा रहे हो। जबकि आपका बैरोग्राफ क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझिए, इधर देखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आप लोग मुझे बताइए, ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसमें चेंज होता रहता है। तो अगर आप लोग चाहते हो उसमें चेंज को आप लोग एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये मान लीजिए मैंने एक ग्राफ लिया, इस वाले एक्सिस पे मैंने लिख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, और दोस्तों इस वाले एक्सिस पे मैंने क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अब हम लोग मानते हैं कि दोस्तों 12 बजे प्रेशर इतना था, मान लो 1 बजे इतना हो गया, 2 बजे इतना हो गया, 3 बजे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर आपका कम हो गया। कुछ इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि हमारा ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन हो।
तो आप लोगों का दोस्तों बैरोग्राफ क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज होता है इसको किस में रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ में। तो ये आप लोग जो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर आप लोगों का टाइप होता जाता है, मतलब जिससे आप लोगों का जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हुआ है उसको दोस्तों अंकित करने में, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में किसका यूज होता है, आपका बैरोग्राफ में होता है। तो वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को यानी होने वाले चेंज को अंकित करने वाला यंत्र, उनको लिखने वाला, उनको ग्राफ के रूप में लिखने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है आपका बैरोग्राफ। सर आज ट्रिक नहीं है क्या? अरे हर चीज ट्रिक से थोड़ी होती, सिंपल सिंपल चीजें इसमें क्या ट्रिक याद रखनी है, ठीक है? ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, ये होता है आपका बाइनोकुलर्स। तो कोई बता सकता है बाइनोकुलर्स क्या होता है? वैसे तो यहां पर लिखा हुआ है, तो दोस्तों दूर की वस्तुओं देखने में आप लोगों का इसका इस्तेमाल करा जाता है। क्या होता है ये आप लोगों का? बाइनोकुलर्स होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों बोलोमीटर। तो ये क्वेश्चन तो मैंने शायद 3-4 दिन पहले हम लोगों ने 1 बजे वाली क्लास में भी करा था, अनअकैडमी पर जो होती है अपनी बिल्कुल फ्री क्लास, तो वहां पर भी हमने करा था। वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो अपने अंदर से क्या निकालता है, रेडिएशंस निकालता है, विकिरण निकालता है। और ऑब्वियसली बात है, जो जितना ज्यादा जिसका टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। तो इन रेडिएशन का अमाउंट मेजर जो करा जाता है वो किससे करा जाता है? बोलोमीटर से करा जाता है। और अगर दोस्तों रेडिएशंस आप लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं इसका मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो अगर आप लोगों के ऑप्शन में रेडिएशन नहीं होता है, वैसे तो ये रेडिएशन मेजर करता है, आप लोगों का विकिरण मापता है, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों रेडिएशन ऑप्शन में नहीं दिया होता तो फिर आप लोग टेम्परेचर पे क्लिक कर दोगे, क्योंकि इससे आप लोग टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हो। ओके चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों वर्नियर कैलिपर क्या करता है। तो अगर आप लोगों ने 11th में आप लोगों के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी तो आप लोगों ने जरूर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज आप लोगों ने किया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कुछ इस प्रकार का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, सिलेंडर है आपका, होलो सिलेंडर है, क्लियर है क्या? ये आप लोगों का होलो सिलेंडर है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों इसको उठाएंगे और इसमें ये जो दोनों इसके ही है ना, ये बाहर निकल रहे हैं इसके दांत, ये जो दोनों दांत इसके बाहर निकल रहे हैं आप लोग लगा दोगे इसमें, और ये आपकी स्केल। तो यहां पर आपको पता पड़ जाएगा कि ये कितना आप लोगों का लेंथ है, ये चीज कितनी है, तो आपको डायमीटर पता पड़ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें जितने भी जैसे मान लीजिए आप लोग की कोई बॉल है, ऐसी कोई बॉल है स्फेरिकल बॉल, तो आप लोग क्या डाल दोगे दोस्तों, इसमें डाल दोगे, ठीक है? इससे आप लोगों को स्केल में पता पड़ जाएगा कि उसका डायमीटर क्या है। तो ये क्या करता है, जो भी आप लोगों के स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका दोस्तों व्यास यानी उनका डायमीटर और उनकी डेप्थ मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो डायमीटर एंड डेप्थ किसकी, आप लोगों के स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की। चलिए आगे चले चलिए हाँ सर हम लोग प्रैक्टिकल किया इसका, चलो चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कैलकुलेटर। तो अगर मैं इसका यूज बताऊंगा तो ये तो आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, तो आप लोग सभी जानते हो कैलकुलेटर क्या होता है। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बोरेटर। अब देखो यहां पर कुछ मत पढ़ो, मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा कार्बोरेटर होता क्या है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप लोगों की गाड़ी में कार्बोरेटर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन व्यक्ति बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी में कार्बोरेटर है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कार्बोरेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता है। सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में होता है, यह आप लोगों के डीजल इंजन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका भी मैं कारण आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप लोग यूज समझिए इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज होता है फ्यूल, यानी पेट्रोल इंजन में होता है तो यहां पर फ्यूल क्या हो जाएगा आप लोगों का, पेट्रोल हो जाएगा, समझ रहे हो? तो पेट्रोल और एयर को मिक्स करना इसका काम होता है, पेट्रोल और एयर को मिक्स करना, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा मैं वर्किंग बता देता हूं होता क्या है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपकी गाड़ी में ऐसे सिलेंडर होता है आपके इंजन में, है ना? अरे आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं इंजन ऑयल के जब ऐड आते होंगे देखा होगा ना कि इसके अंदर कुछ आपका एक पिस्टन टाइप का कुछ होता है ना?
तो ये आपका ऊपर नीचे से होता रहता है, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है आपकी गाड़ी में इंजन में, इधर एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनलेट वॉल्व, समझ रहे हो। तो यहां से अंदर क्या एंटर करता है आप लोगों का, एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है, यानी वायु और पेट्रोल का मिक्सचर। तो ये मिक्स इसको किसने किया होगा, कार्बोरेटर ने किया होगा, क्योंकि बाहर से आपकी गाड़ी के बाहर से तो केवल एयर आ रही है, आप लोगों का जो टैंक होगा वहां से पेट्रोल आएगा, इसको मिक्स कौन करता है, कार्बोरेटर मिक्स करता है, ध्यान रखेंगे। जबकि डीजल इंजन में क्या होता है, केवल और केवल पहले एयर आती है और जब ये पिस्टन नीचे आता है फिर जब इसको कंप्रेस करते हैं तो अलग से हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजेक्ट कर देते हैं, तो वहां पर मिक्स करने का कोई काम ही नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तो कार्बोरेटर सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। इसका काम क्या होता है, जो आपका फ्यूल होता है, और यहां पर फ्यूल का मतलब क्या है, पेट्रोल, और एयर को क्या करता है, ये मिक्स करता है, कुछ इस प्रकार से ये आप लोगों को दिखता है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कैलोरीमीटर क्या करता है, कैलोरीमीटर। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए कोई आप लोगों ने ठंडा पानी लोगे, गर्म पानी लोगे, किस में हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, किस में ऊष्मा का मान ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली गर्म पानी वाले में ज़्यादा होगा। तो दोस्तों उसमें अमाउंट ऑफ हीट यानी ऊष्मा की मात्रा को मेजर करने वाला ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ हीट, क्या करता है, अमाउंट ऑफ हीट, कि किसमें ऊष्मा की मात्रा कितनी है, ये किससे मेजर करी जाती है, आप लोगों के कैलोरीमीटर से करी जाती है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, ये हो जाएगा आप लोगों का कम्यूटेटर, क्या हो जाता है दोस्तों कम्यूटेटर। तो ये क्या करता है, बेसिकली वाइंडिंग टाइप का कुछ होता ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में, करंट यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना उसकी डायरेक्शन यानी दिशा परिवर्तन में इसका इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन चेंज में इसका यूज करा जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपका हो जाएगा दोस्तों कंपास बॉक्स। तो ये आप लोग का दोस्तों क्या बताता है, सभी जानते हो डायरेक्शन मेजर करने में इसका यूज होता है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात आपको होगी ही नहीं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों डायनेमो क्या होता है। देखिए देखो डायनेमो की अगर हम लोग बात करें या जनरेटर की बात करें, तो जो शादियों में जनरेटर लगा होता है वो क्या करता है, आप लोग दोस्तों उसमें डीजल वगैरह से चलता है तो उसमें अंदर पहिया घूमता है ना, तो वो एनर्जी कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इनके पास में कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। और दोस्तों आपकी शादियों में क्या आती है, लाइट वगैरह आती है, मतलब उस वो किससे चलती होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, आप लोगों का डायनेमो करता है। और यही सेम काम किसका होता है, जनरेटर का होता है। अच्छा मुझे कोई बताएगा क्या कि जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अभी पता पड़ जाएगा कि आप लोग अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल सीरियस हो या नहीं हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं है। आप लोग बोलेंगे सर इससे कैसे पता लगा सकते हो कि मुझे नहीं पता, तो सर नहीं पता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं जनरेटर का क्वेश्चन दो बार आप लोगों से NTPC में इस बार में पूछा जा चुका है। तो एनालिसिस में मैंने आप लोगों को दोनों बार बताया कि जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अलावा मैंने दोपहर 1 बजे वाली क्लास में भी कई बार बताया। जरा मुझे बताइए जो आपका जनरेटर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बताइए, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये साहेब दे जी ने बहुत सही जवाब दिया है, अभिषेक जी सही जवाब दे रहे हैं। ये देखो एक बेवकूफ़ है, गरीब का नाम ले लो, सर गरीब का नाम लेने के लिए पहले से रिप्लाई करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं सर नाम ले लो नाम ले लो। तो यहाँ पर रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, खुद नाम दे रहा हूँ जो जो सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अंकित जी ने सही जवाब दिया है, तमन्ना जी ने। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कितनी बार मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, इस पे आपका जनरेटर वर्क करता है, दो बार पूछा जा चुका है, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है। तो जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं मतलब जिन पे आवेश होता है उनको एक्सलरेट करने में, उसकी स्पीड बढ़ाने में,
उनको एक्सेलरेट करने में, उनको त्वरित करने में, उनकी स्पीड बढ़ाने में किसका यूज होता है? साइक्लोट्रोन का यूज होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आप लोगों से इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर क्या करता है आप लोगों को पता होगा, जो आपके घर में पंप लगता है ना, पंप, वो भी क्या होती है? एक प्रकार की मोटर होती है। तो उसमें क्या देते हो आप लोग? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी से तो चलता है, तो आप लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और फिर वो आपका क्या करता है, अंदर अंदर पहिया घूमता है ना, जिससे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो पहिया घूम रहा है, वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है आप लोगों का मोटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फैदोमीटर। ये भी काफ़ी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो आप लोगों के समुद्र होते हैं, ओशियन होते हैं, मतलब सी होते हैं, नदी होती है, इनकी गहराई मापने वाला कि इनकी डेप्थ क्या है, ये किससे मेजर करी जाती है? आप लोगों के फैदोमीटर से करी जाती है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आप लोगों से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर। जल्दी से मुझे बताइए हाइग्रोमीटर आपका क्या होगा? तो आप लोगों को पता है हर तरफ की, जैसे जयपुर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी एयर अलग प्रकार की है, दिल्ली की अलग है, मुंबई की अलग है। क्यों? क्योंकि सभी जगह जो H2O का अमाउंट है, मतलब वाटर वेपर का अमाउंट है, वो अलग अलग है और इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जहाँ की एयर में H2O वेपर का यानी जल वाष्प का अमाउंट ज़्यादा होता है, हम लोग बोलते हैं वहाँ पर उमस ज़्यादा है। तो ये जो आपकी ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, ये ही किससे मेजर करी जाती है? आप लोगों के हाइग्रोमीटर से करी जाती है। तो ये क्या करता है? ह्यूमिडिटी मेजर करता है। क्या करता है? ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं? आर्द्रता मेजर करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर। तो यहां पर मत देखिए काफी बड़ी, मैं हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में देख लेंगे। आप तो बस वन वर्ड में आप लोग आंसर बताइए, वन वर्ड में आंसर बताइए लैक्टोमीटर आप लोगों का क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, है ना, दोपहर एक बजे क्लास, देखो जो देखता हूँ वो मैक्सिमम सही आंसर दे रहा होगा। देखो समझते हैं, देखो जो मिल्क होती है ना उसमें एक शुगर पाई जाती है, जो मिल्क होती है, मिल्क दूध होता है ना, उसमें एक शुगर पाई जाती है जिससे, जिसका नाम होता है लैक्टोज, जिसका क्या नाम होता है? लैक्टोज होता है। तो इस लैक्टोज से याद रखोगे आप लोग लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर किससे रिलेटेड हो जाएगा? दूध से रिलेटेड हो जाएगा। तो लैक्टोमीटर क्या करता है दोस्तों? प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करता है, दूध की शुद्धता। प्योरिटी ऑफ मिल्क क्या करता है? चेक करता है। पहली बात तो आप लोग का ये हो गया। दूसरा काम क्या है? तो दोस्तों जो आपका लैक्टोमीटर होता है ये रिलेटिव डेंसिटी भी मेजर करता है। क्या करता है? रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी किसकी करता है? रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है ऑफ मिल्क। अब हम लोग समझते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, यानी आपका सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी पदार्थ की निकालनी है, किसी भी पदार्थ की निकालनी है तो उस पदार्थ की डेंसिटी लो बटे पानी की डेंसिटी लो। पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 होता है। जैसे समझ में नहीं आया ना, मैं समझाता हूं। मैंने आप लोग को बोला मरकरी जो होता है पारा, उसकी डेंसिटी है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आप लोग पानी की सभी जानते हैं, पानी का कितना होता है घनत्व, डेंसिटी इसकी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैंने बोला मरकरी का पारे का सापेक्षिक घनत्व निकालो या रिलेटिव डेंसिटी निकालो। तो किसकी निकालनी है? मरकरी की। पारे की कितनी है? 13600 है, इसमें पानी के घनत्व से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 13.6। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है मिल्क की, वो किससे मेजर करी जाती है? लैक्टोमीटर से करी जाती है, ठीक है। चलो अगर हम लोग बात करें कि मिल्क की तो लैक्टोमीटर से करते हैं, और बाकी किसी पदार्थ की करनी हो तो आप लोग का जो हाइड्रोमीटर होता है, एक मीटर होता है हाइड्रोमीटर, तो यहां पर लिख लो हाइड्रोमीटर जो होता है ना दोस्तों, हाइड्रोमीटर वो क्या मेजर करता है? शॉर्ट में मैंने लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी मापता है। क्या मापता है? रिलेटिव डेंसिटी मापता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होता है? ये आप लोगों का लो प्रेशर मेजर करता है, है ना। ज़्यादा प्रेशर मेजर नहीं कर सकता, ये लो प्रेशर यानी कम दाब ही माप सकता है।
और कम दाब किस में होता है, गैसेस में होता है या आप लोगों के लिक्विड में होता है? तो गैसेस में लिक्विड की अपेक्षा कम दाब होता है। तो अगर हम लोग बात करें ये किसका प्रेशर मेजर करता है, गैस होगा, किसका, गैसेस का प्रेशर मेजर करता है आप लोगों का मैनोमीटर, ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं आप लोगों से दोस्तों माइक्रोमीटर क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों कोई बहुत छोटा आप लोगों की चीज़ है, जैसे बहुत छोटी की बात करें, आप लोगों ने एक मिट्टी का एक कण ले लिया बिल्कुल छोटा सा, मैंने आपको बोला दोस्तों उसका साइज बताओ, उसका डायमीटर बताओ, तो जो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा कितना, इतना 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 कितना छोटा, तो अगर हम लोग बात करें आप लोगों के 1 मिलीमीटर की, तो 1 मिलीमीटर क्या होता है दोस्तों, 10^-3 मीटर होता है। ये होता है या नहीं होता? लेकिन अगर आप लोग 1 मिलीमीटर का भी 1000वां भाग ले, कहने का मतलब है 1 मिलीमीटर का भी अगर आप लोग 1000वां भाग ले तो क्या हो जाएगा, तो मिलीमीटर का मतलब कितना था, 10^-3 मीटर, ठीक है। नीचे आपका क्या है, 1000 है यानी 10^3 है, ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10^-6 बन जाएगा, और 10^-6 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो देखिए इस ऑर्डर का जो साइज होता है वो किससे मेजर करा जाता है, माइक्रोमीटर से करा जाता है। ओके दोस्तों, अरे समझ गए क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोप, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, माइक्रोस्कोप आप लोग सभी जानते हो, छोटी चीज को जो आप लोगों के मैं बोलूं माइक्रोस्कोपिक व्यू, हम लोग बोलते हैं ना इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखने पर, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटी चीज को बड़ी करके देखने में, तो इसमें किसका इस्तेमाल करा जाता है, आप लोगों के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा जाता है। इसका हिंदी में नाम है सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, आप लोगों का माइक्रोस्कोप का किया जाता है। चले आगे, ठीक है दोस्तों, थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों माइक्रोटोम, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग देखते हैं कितने जने बता पाते हैं कि माइक्रोटोम क्या होता है। पहले अगर आप लोगों को आवाज वगैरह सारी चीजें समझ में आ रही है तो थम्स अप करके आप लोग बताएंगे जल्दी से बताइए। चलिए तो अगर हम लोग बात करें आप लोगों से, सर प्लीज प्रोवाइड इंग्लिश आल्सो, दोस्तों यहां पर हिंदी नहीं लिखी, इंग्लिश नहीं लिखी, तो मैं आपको पीडीएफ में डाल के दे दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, आपको पीडीएफ में मैं इंग्लिश डाल के दे दूंगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ी देर बाद में जब पीडीएफ अपलोड होगी तो वहां पर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो सभी के थम्स अप आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों माइक्रोटोम, तो अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज, अगर आपको उसको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, स्मॉल पीसेस करने हैं, अगर आप लोगों को स्मॉल पीसेस करने हैं, ठीक है, तो आप लोगों का क्या यूज होता है, आप लोगों का माइक्रोटोम यूज होता है, माइक्रोटोम। तो किसी वस्तु को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का ये आप लोगों का यंत्र होता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वोल्टमीटर, तो यह इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया है, वोल्टमीटर विभव मापी, तो दोस्तों हिंदी से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, विभव मापी। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का वायर है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी विभवांतर कितना है, ये कौन मापता है, आपका वोल्टमीटर मापता है। तो लिख लीजिए ये आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में इसका इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मापने में इसका इस्तेमाल होता है, ये एनटीपीसी में इस बार में पूछा गया क्वेश्चन था। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से ऑडोमीटर, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये देखो ये होता है ना, ये क्या बताता है, ये वाला जो आपकी रीडिंग होती है ये बताती है कि आप लोगों ने कितनी डिस्टेंस मेजर कवर करी है, तो जो डिस्टेंस आप लोगों ने ट्रेवल करी है, तो वो डिस्टेंस ना कि स्पीड, डिस्टेंस जो होता है वो किससे मेजर करी जाती है, आप लोगों के ऑडोमीटर से करी जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिस्मोग्राफ, तो जो भूकंप होता है ना, अर्थक्वेक होता है,
तो भूकंप की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो होती है, वो किससे मेजर करी जाती है? सिस्मोग्राफ से करी जाती है। तो ये दोस्तों किस इंटेंसिटी का भूकंप आया है, ये किससे मेजर करा जाता है? आप लोगों के सिस्मोग्राफ से करा जाता है। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, ये होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो स्पेक्ट्रोस्कोप आप लोगों का क्या होता है, जो आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम्स क्या होता है दोस्तों, ये जो कलर्स होते हैं ना, इसमें जो कलर्स होते हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके स्पेक्ट्रम्स को मापने के लिए, मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करा जाता है। चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों विस्कोमीटर। तो विस्को का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, विस्को से मतलब होता है आपके विस्कोसिटी, विस्को से मतलब होता है विस्कोसिटी। तो किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोमीटर। अब विस्कोसिटी होता क्या है, इसको हम लोग हिंदी में श्यानता बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि सॉलिड में क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शन होता है ना। अरे ठोस में क्या होता है, घर्षण होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से बोलूं किसी सरफेस पे कोई बॉडी इजीली स्लाइड कर रही है, तो मैं बोलूंगा इस सरफेस और उस बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो कम है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कोई भी सरफेस के ऊपर एक बॉडी इजीली मोशन नहीं कर पा रही है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है। तो यही काम जो आपके लिक्विड में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। यानी अगर कोई लिक्विड इजीली फ्लो कर पा रहा है तो इसकी विस्कोसिटी कम है, अगर कोई इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं एक बाल्टी में, एक बकेट में आपने हनी लिया, शहद, और एक में आपने पानी लिया, दोनों को आप लोगों ने ढोला, मुझे बताइए कौन इजीली फ्लो कर पाएगा? पानी इजीली फ्लो कर पाएगा ना। तो विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होगी दोस्तों, विस्कोसिटी ज्यादा होगी हनी की। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका फ्रिक्शन होता है ना, वैसे ही आपकी विस्कोसिटी होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस विस्कोसिटी को जो मेजर करा जाता है वो विस्कोमीटर से करा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो कौन बताएगा ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए। ट्रांसफॉर्मर का वर्क क्या होगा, बताइए। सर क्लास कब तक चलेगी, भूख लग गया रूबी जी। बस 5 मिनट की क्लास और है, 5-7 मिनट की, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग बात करें आप लोगों के ट्रांसफॉर्मर की, बड़ी मतलब बहुत गलत बात है, आप लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे। कितनी बार हम लोग करते हैं रोज 1 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें क्या करता है, ये आप लोगों के वोल्टेज बढ़ाने का काम भी करता है, जो वोल्टेज होता है उसको बढ़ाने का काम भी करता है और वोल्टेज को कम करने का काम भी ये करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज को बढ़ाने का काम भी कर रहा है, वोल्टेज को कम करने का काम भी करता है। ये काम किसका है, आपके ट्रांसफॉर्मर का है, ठीक है। करंट अप डाउन नहीं दोस्तों, वोल्टेज अप डाउन। तो अगर जो भी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जरा बताइए। तो दोनों काम करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता भी है, कम भी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है हाई टू लो करता, लो टू हाई, दोनों काम करता है ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रडार। तो रडार तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कोई भी मतलब मान लीजिए किसी की भी लोकेशन ट्रेस करनी है आप लोगों को, प्लेन आ रहा है तो वो कितने डिस्टेंस पे है, वो आप लोगों का किससे पता लगाया जाता है, रडार से पता लगाया जाता है। इसका तो कोई आप लोगों को दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेडिएटर का क्या काम होता है। तो जो रेडिएटर होते हैं आप लोगों के गाड़ी में होते हैं, व्हीकल्स में होते हैं, तो क्या करता है दोस्तों, ये इंजन को ठंडा करने में है ना, इंजन को ठंडा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंजन को ठंडा करने में है ना। तो आपने सुना होगा ना इसका रेडिएटर खराब हो गया, तो आप लोगों का रेडिएटर अगर खराब हो जाता तो गाड़ी गर्म हो जाती ना, क्यों, क्योंकि वो ठंडा नहीं कर पाता है इंजन को। चलिए तो इसकी जो पीडीएफ होगी दोस्तों, मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी दे दूंगा, तो 20 से 25 मिनट के बाद में इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी और पीडीएफ में आप लोगों को इंग्लिश में भी मिल जाएगा, टेंशन आप लोग ना लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए
और दोस्तों मिलते हैं 1 बजे वाली क्लास में। आप लोग सभी जानते हैं डेली 1 PM पे साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। इसमें फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, कंप्यूटर भी होती है, एनवायरनमेंट भी होती है, तो आप लोग इसको मिस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, सारे क्वेश्चंस आप लोग के इसी से बन रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ पर मैं रैंक भी शेयर करता हूँ, जिससे आप लोगों को पता पड़े कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है बाकी बच्चों के कंपेरिजन में, तो आप लोग ईजिली इसको एक्सेस भी कर सकते हो। मैंने कमेंट में मैं लिंक भी दे दूंगा क्लास की, आप लोग सीधे लिंक से जुड़ सकते हो। बाकी आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपके पास में दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो ये SSC एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेस के सेक्शन में मिलता है। और अगर आप लोग नए यूजर हो तो कोई भी क्लास आप लोग खोलोगे तो आप लोगों से कोड पूछता है, तो कोड में आप लोग डाल दीजिए नीरज 11, अनलॉक कर दीजिए, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान, ठीक है। और 11 जनवरी से सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग दोस्तों यहां पर सारे कोर्स, मतलब CGL, CHSL, CET के सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन में एक्सेस मिल जाएगा। तो SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों, 24 महीने का आपका 7200 का है। रेफरल कोड डाल दीजिए नीरज 11, प्रोसीड टू पे करेंगे आपका 6480 रुपये का पड़ जाएगा। इसके बाद में प्रोसीड टू पे आप लोग कर दीजिएगा। और SSC बैंक रेलवे की दोस्तों जो एक साल का कॉम्बो है वो 14450 का, नीरज 11 लगाने के बाद में ये 13005 का पड़ जाएगा। दो साल का दोस्तों 15000 कितने का पड़ जाएगा, 606 नीरज 11 लगाने के बाद में। ओके, और बताइए, और कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना रखते हैं। इस क्लास की PDF आपको थोड़ी देर में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और आप लोगों को 1 बजे वाली क्लास के लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और हम लोग मिलते हैं दोपहर 1 बजे, और आज भी मैं आप लोग के लिए कुछ वीडियो डालूंगा इंटरेस्टिंग, तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डालने वाला हूँ। तो एक तो शाम को तो एनालिसिस डलता ही है, और भी मैं 1-2 वीडियो प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोस्तों दोपहर 1 बजे।